सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। भारत बनाम श्रीलंका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से सीरीज तो जीत गया, लेकिन निर्णायक टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। भारत ने श्रीलंका के सामने 410 रनों की चुनौती रखी थी, लेकिन श्रीलंका ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आखिरी दिन अपने विकेटों को बचाए रखा और भारतीय टीम को जीत से दूर कर दिया। श्रीलंका की ओर से धनंजय डिसिल्वा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया, हालांकि वो बाद में रिटायर्ड हट हो गए और उसके बाद तारीफ करनी होगी श्रीलंका के बल्लेबाज सिल्वा की, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतक ठोक दिया। वहीं डिकवेला भी क्रिज पर टिके रहे और उनका साथ देते रहे। वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो जडेजा ही यहां पर अच्छी गेंदबाजी कर पाए, बाकी गेंदबाज वो दमखम नहीं दिखा पाए जिस दमखम की उम्मीद उनसे की जा रही थी। ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी विकेटों से महरूम ही रह गए और उम्मीद पर कहीं ना कहीं टीम इंडिया की पानी फिर गया, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने एक दिन पहले ही पारी घोषित कर 410 रनों का भारी भरकम टारगेट दिया था, उससे उम्मीद लग रही थी कि श्रीलंका को तो टीम इंडिया जल्दी आउट कर देगी और मैच में जीत पक्की कर लेगी, लेकिन हो गया उल्टा, श्रीलंका ने मैच को ड्रॉ करा दिया। वहीं अगर टीम इंडिया की पहली पारी की बात की जाए तो टीम इंडिया की ओर से विराट कोहली ने शानदार दोहरा शतक लगाया और 243 रन बनाए। उनके अलावा मुरली विजय ने 155 रनों की पारी खेली। वहीं दूसरी इनिंग में भी विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया और इनकी मदद से ही टीम इंडिया ने श्रीलंका को 410 रनों की चुनौती दी। गेंदबाजी की बात की जाए तो पूरे मैच में रविंद्र जडेजा और अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की और इन दोनों के ही नाम रहा ये टेस्ट, लेकिन ड्रॉ हो गया। वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो पहली इनिंग्स में मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए, ईशांत शर्मा ने 3, वहीं जडेजा को 2 विकेट लिए और अश्विन को 3 विकेट हाथ लगे। हालांकि दूसरी पारी में थोड़ी सी निराशा हाथ लगी और गेंदबाजों ने उम्मीदों के अनुसार गेंदबाजी नहीं की, जिसके कारण मैच ड्रॉ हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।